कंगना का जवाब सुन सन हो गए होंगे स्वामी के कान। जब एक महिला पर उंगली उठाकर उसको और उसकी लाइफ को जज करने का अधिकार सुब्रमण्यम स्वामी रख सकते हैं, उसके जीवन पर टिप्पणी कर सकते हैं, भगवान राम को लेकर उसकी भक्ति पर सवाल उठा सकते हैं, तो फिर सुनने के लिए भी तो उन्हें ही तैयार रहना चाहिए। किसने बोला था बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी से कंगना से भिड़ने के लिए? किसने उन्हें सलाह दी थी कि आप जाइए और कंगना से भिड़ जाइए? इस पुरुष प्रधान समाज में अब जब महिलाओं को उनके हक की आवाज उठाने का मौका मिल रहा है, तो कुछ लोग हैं जो उनकी उड़ान को वहीं थाम देना चाहते हैं। लेकिन कंगना शायद ऐसे लोगों से मजबूती से भिड़ना अच्छी तरह से जानती हैं। उन्होंने तो पूरी की पूरी उद्धव सरकार को अपनी हिम्मत से हिलाकर रख दिया था। तो फिर यहाँ सुब्रमण्यम स्वामी का एक ट्वीट भला कंगना को कहाँ जमीन पर ला सकता था? बल्कि हम तो कहेंगे कि जो जवाब कंगना ने स्वामी को दे दिया है, उससे स्वामी का जो ओहदा था वो जरूर नीचे आ गया है। अब आप सोचेंगे कि भला ऐसा क्या हुआ, स्वामी ने कंगना को ऐसा क्या कह दिया जो कंगना को उन पर पलटवार करना पड़ा। दरअसल याद ही होगा आपको, अभी दशहरा का दिन, रील्स स्क्रॉल करते समय आपने शायद वो फुटेज भी देखी होगी जिसमें कंगना बाण नहीं चला पाई। खैर, उसके लिए सोशल मीडिया पर तो वो ट्रोल हो ही रही थी, लेकिन फिर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस मामले को लेकर कंगना से भिड़ने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने मोनिका नाम के एक ट्विटर हैंडल की तरफ से कंगना की बिकनी में साझा की गई तस्वीर को रिट्वीट किया और लिखा, एसपीजी गपशप के अनुसार वो एक फ्रिक्वेंट फ्लायर है। एसपीजी को गपशप क्यों करनी चाहिए? क्योंकि एसपीजी पर काम का बोझ बहुत ज्यादा है। उन्हें रामलीला के अंतिम दिन चीफ गेस्ट बनाया जाना मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए अशोभनीय है। अच्छा, अब जब इस तरह का कमेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने कंगना रनौत के लिए कर दिया, तो भाई कंगना कहाँ चुप बैठने वालों में से। उन्होंने तो सुब्रमण्यम स्वामी को इतना कुछ सुना दिया कि अब वो आगे किसी लड़की के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से पहले शायद 100 बार सोचेंगे। कंगना ने अपने दमदार ट्वीट से जोरदार जवाब देते हुए लिखा, एक स्विम सूट में फोटो और घटिया कहानी के साथ आप ये सुझाव दे रहे हैं कि राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए मेरे पास अपने शरीर के अलावा और कुछ नहीं है। मैं कलाकार हूँ, यकीनन हिंदी फिल्मों में अब तक की सबसे महान कलाकार, एक लेखिका, निर्देशक, निर्माता, क्रांतिकारी हूँ। अगर मेरी जगह पर कोई युवा आदमी होता, वो एक महान भविष्य का नेता हो सकता था और मार्गदर्शक और सलाह के योग्य हो सकता था। तो क्या आप अभी भी ये मानेंगे कि वो शायद राजनीति में अपना रास्ता पाने के लिए अपना शरीर बेच रहा है? वहीं फिर कंगना ने आगे ये भी लिखा, गहरी जड़ें जमा चुकी लैंगिकता और महिला शरीर के लिए वासना आपको एक खराब आदमी बनाती है। महिलाएं सिर्फ के लिए नहीं होती, उनके पास और भी अंग होते हैं, जैसे दिमाग, दिल, हाथ पैर और बाकी सभी चीजें जो एक पुरुष के पास होती है। एक महान नेता बनने के लिए ये जरूरी है। वहीं जब कंगना का इस तरह का ट्वीट सामने आया, तो फिर लोग उन्हें स्वामी को सीरियसली नहीं लेने की सलाह दे रहे हैं। अभिषेक ओझा नाम के यूजर ने लिखा, स्वामी पहले रियल लाइफ इंदिरा के खिलाफ थे 1983 में, अब 2023 में वो रियल लाइफ इंदिरा से भिड़ रहे हैं। क्राइम मास्टर गोगो नाम के यूजर ने लिखा, बीजेपी ने कभी उनको सीरियसली नहीं लिया, तो आप उन्हें क्यों सीरियसली ले रही हो? वो शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा है। रोजी नाम के एक यूजर ने लिखा, स्लेड। एक और यूजर ने लिखा, गुड रिस्पॉन्स। तो कंगना के स्वामी को दिए गए जवाब पर सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? कंगना ने जिस तरह से स्वामी को जवाब दिया, आपको क्या लगता है? क्या कंगना ने जबरदस्ती बात को तूल दिया है, या फिर कंगना ने स्वामी को जवाब देकर उनके कान से धुआं निकाल दिया है? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।